दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका उस चैनल पर जिस चैनल पर सच्चाई से रूबरू कराया जाता है। और आज हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा की धरती, छोटी सी शाखा बुलंदशहर में। तो यहां पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बात कर लेते हैं डेरे के बारे में। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है संजय झा। आज मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, क्या करने आए आप लोग? आज हमारे जो आश्रम के महाराज जी हैं, साथ सतनाम जी महाराज जी, उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के साथ साथ हम आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ नाम चर्चा करके एक गुणगान कर रहे हैं राम नाम का। तो ये किन लोगों के लिए राशन वितरण किया जा रहा है? राशन वितरण उन परिवारों के लिए है जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, निर्धन परिवार है, कोई विधवा बहन है या किसी परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, उनको आज हम सब सहयोग करके और सतगुरु जी की पावन प्रेरणा से ये राशन वितरण करा रहे हैं। जैसा कि संत जी समाज में नहीं है, उसके बाद भी ये कार्य कर रहे हैं आप, तो इस कार्य करने से समाज में क्या मतलब समाज के लिए कुछ फ़ायदा होता है? नहीं, फायदा क्यों नहीं होता, आज है नहीं तो उनकी जो बताई हुई बातें हैं, प्रेरणा है उनकी दी हुई, वो तो कहीं नहीं गई। तो जो सतगुरु ने हमें पावन प्रेरणा दे रखी है ये सब करने के लिए, 137 मानवता भलाई के कार्य चलते हैं, जैसे कि किसी गरीब बेटी की शादी में सहयोग करके कुछ सामान दे देना, ब्लड डोनेट करना, मकान बनवाना, इस तरीके की सेवा है जो राशन वितरण उसी के तहत हो रहा है। जैसा कि संत जी समाज में नहीं है, तो संत जी के रहते हुए डेरा सच्चा सौदा बहुत सारे कार्यकर्ता हो रहा है मानवता भलाई के, क्या वो कार्य आज भी किए जाते हैं? बिल्कुल लगातार हो रहे हैं, आज भी हो रहा है ये कार्य हमारे यहाँ, जो राशन वितरण है ये लगातार हमारे यहाँ ऐसे कार्य होते रहते हैं। आपने रक्तदान कभी किया? मैं अब से पहले 23 बार रक्तदान कर चुका हूँ। तो 23 बार जो रक्तदान किया है आपने, इसके बाद कोई आपकी बॉडी के अंदर कोई दिक्कत हुई हो? मेरी बॉडी आज भी स्वस्थ है और पहले भी स्वस्थ थी, और मैं अब ब्लड डोनेट करने के बाद मैं अपनी बॉडी को बड़ा रिलीफ मतलब महसूस करता हूँ, क्योंकि हमने जो ब्लड डोनेट कराया वो किसी की ज़िंदगी बचाई है। ये सब हमारे गुरुजी हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी और साथ सतराम सिंह महाराज जी, उनकी प्रेरणा से हम ब्लड डोनेट करते हैं। जिन संत ने इस समाज के लिए इतना सारा किया, आप गरीबों के लिए रक्तदान भी करते हैं और राशन वितरण करते हैं, कपड़े देते हैं, मकान बना करके देते हैं, इतने अच्छे कार्य किए, तो गुरुजी के दुश्मन कौन हो सकते हैं? दोबारा बताएं मुझे एक बार। मतलब जो कार्य है गुरुजी ने आपके लिए करने सिखाए, उससे समाज का बहुत ज्यादा फायदा होता है। जिस समाज का फायदा हो रहा है जिस संत की वजह से, तो उन संत को कोई फंसा क्यों सकता है? कौन लोग दुश्मनी कर सकते हैं? देखो, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कौन दुश्मन है, लेकिन संतों की राय मैं संत ही जान सकते हैं। और मैं अपनी जो सरकार है उससे अपील करूंगा कि ऐसे अगर संत इस धरत में नहीं रहे तो सब नाशवान हो जाएगा। तो मैं अपनी जो सरकार है उससे भी ये गुजारिश करना चाहूँगा, ऐसे संतों को जल्दी से जल्दी हम सबके बीच में लाएं, ताकि जो हम 137 मानवता भलाई के कार्य है उनकी प्रेरणा में चल रहे हैं, तो बहुत सारे हम जैसे भाई और आगे आए ऐसे कार्य करने के लिए, तो हमारा भारत देश और उन्नति की तरफ जाए। जब से आप डेरे से जुड़े हैं, कोई आपकी जिंदगी में परिवर्तन आया है? बहुत परिवर्तन है, परिवर्तन इतना है कि अगर मैं सत्संग में नहीं आता या गुरुजी से गुरुमंत्र नहीं लेता, तो मेरे साथ के जो नौजवान भाई हैं आज भी गांव में खेती करते हैं, खेती में ये करते घास खोद के अपने चारा ले आए, भैंसों को खिला दिया, भाई इतना काम है। लेकिन मैं आज इतना शगुन में हूँ कि बस पिताजी ही जान सकते हैं, गुरुजी ही जान सकते हैं हमारे, जो मुझे खुशी दी है उस दर से ही खुशी मिली है। सर, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।